दोस्तों, चीन की हरकतों का अब आखिरकार भारत कड़ा जवाब देना शुरू कर चुका है और इस बार भारत सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट देकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि हमने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जो पिछले 20 साल के इतिहास में भारत ने कभी नहीं की। भारतीय मिलिट्री की इतनी बड़ी ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन देशों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत के बैकयार्ड में आना चीन के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 20 सालों के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना ने एक साथ 11 सबमरीन को ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया है। ऐसा बहुत समय से नहीं देखा गया था कि भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी संख्या में पनडुब्बियों को पेट्रोलिंग और दूसरे ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात किया हो। पारंपरिक तौर पर भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में से 50% हमेशा मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी एक्टिविटी के लिए बेस पर ही मौजूद रहती थी, लेकिन पहली बार भारत ने अपनी 16 में से 11 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। बता दें कि हाल में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की संयुक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी ऑपरेशनल क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया और इसी का नतीजा है कि अब चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना अपने पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा पनडुब्बी हिंद महासागर, अरब बंगाल की खाड़ी और कई दूसरे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर चुकी है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का दबदबा और सर्विलेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया। यह बड़ा कदम भारत ने एक ऐसे समय पर लिया जब पिछले कुछ सालों से चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहे थे। सबसे पहले तो चीन के ओशनोग्राफिक सर्वे और रिसर्च वेसल हिंद महासागर में आना शुरू हुए। फिर हमने देखा कि कैसे चीनी नौसेना के बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज हिंद महासागर में आने लगे और धीरे धीरे करके यह जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र के नजदीक तक पहुंच गए, जहां पर ये हमारे मिसाइल परीक्षण के समय ही आकर लंगर डाल लेते थे। हाल ही में हमने रिपोर्ट कवर की थी कि इस वक्त हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के 3 जासूसी जहाज मौजूद है और एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी वक्त भारत के नजदीक आ सकता है। चीन अपने जहाज को फिर से भारत की तरफ एक ऐसे समय पर भेज रहा है जब हम कई शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, जिसमें अग्नि प्राइम से लेकर भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए गए रॉकेट सिस्टम शामिल है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमने सबसे पहले श्रीलंका पर दबाव बनाया, लेकिन जब श्रीलंका कुछ तकनीकी खामियों की वजह से चीन के सामने नहीं टिक पाया और चीनी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन दोबारा दे दी, तब जाकर हमने ये कठोर कदम उठाया और अब हिंद महासागर क्षेत्र में चारों तरफ भारतीय सबमरीन तैनात है, जिसकी वजह से हम चीनी जासूसी जहाज पर तो नजर रख ही रहे हैं। साथ ही अगर चीन ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम रैपिड एक्शन भी ले सकते हैं, जिससे चीन पर काफी भारी साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा। लेकिन चीन के लिए परेशानियां यहीं पर खत्म होती नजर नहीं आ रही, जहां एक तरफ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी काले बादल छाने शुरू हो चुके हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि भारत चीन की इस परियोजना का काफी विरोध करता है और हम कई बार इस पर टिप्पणी भी कर चुके हैं, लेकिन जिस देश को इसके जाल में फंसना है उसे हम खुद जाकर तो नहीं बचा सकते, पर उन देशों में मौजूद कुछ समझदार नेता चीन की चाल को समझकर अपने देश को चेतावनी जरूर दे रहे हैं, जिसकी कड़ी में नेपाल के विपक्षी पार्टी अब अपनी सरकार पर चीन से लिए गए कर्ज को कई मामले में करप्ट बता रही है। नेपाल की विपक्षी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने चीन से काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर ये कर्ज लिया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं से नेपाल को काफी भारी नुकसान हो रहा है। नेपाल की विपक्षी पार्टी ने चीनी लोन्स को अपने देश के लिए घातक बताया और कहा कि इससे उनका देश चीनी कर्ज का गुलाम बन सकता है, जिसकी वजह से नेपाल में मामला काफी तेजी से आग पकड़ रहा है और अब इस स्थिति से निपटने के लिए चीन भी नेपाल की सरकार पर अपना दबाव बढ़ा चुका है, जिसकी वजह से नेपाली सरकार अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को बीजिंग भेज रहे हैं ताकि प्रचंड और जिनपिंग की सरकार के बीच सीधे बातचीत हो जाए और इस मामले पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, वरना नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो पहले ही फेलियर साबित हो चुके हैं। अगर ऐसा एक और प्रोजेक्ट नाकाम रहा तो ये नेपाल के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा आसमान तक पहुंचा देगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन इस वक्त हर तरफ से परेशान होने वाला है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि कई देशों में फेलियर और डेब्ट ट्रैप के तौर पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना को पिछले 20 सालों में सबसे शक्तिशाली स्तर पर तैनात कर चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर
दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।